वेलकम बैक फ्रेंड, और स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। तो भाई आज मेरे पास है माइक्रोमैक्स का एक कीपैड फ़ोन, देख सकते हो यहाँ पे, जिसका मॉडल नंबर है X1i Pop। देख सकते हो यहाँ पे X1i Pop इसका जो है मॉडल नंबर है। तो इस पे दिक्कत यह है कि ये इसे जैसे चार्ज करोगे तो ना ये चार्ज हो रहा है ना ही चार्जिंग शो कर रहा है, तो इसमें चार्जिंग का फॉल्ट है। तो फिलहाल मैं इसको जो ओपन कर चुका हूँ, चलिए मैं एक बार टेस्ट करके दिखाता हूँ कि चार्ज कर रहा है या नहीं। तो मैं इसे डीसी मशीन से अभी कनेक्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं इसे डीसी मशीन से कनेक्ट करूँ अभी। तो मैं इसे डीसी मशीन से कनेक्ट कर चुका हूँ, अब इस पर मैं चार्जिंग कनेक्टर लगाता हूँ। और यहाँ पे डीसी मशीन पे देखो चार्जिंग शो कर रहा है, वोल्टेज बढ़ रहा है कि नहीं। तो देख सकते हो यहाँ पे मैंने चार्जिंग कनेक्टर जो है इंसर्ट कर दिया है, डीसी मशीन का वोल्टेज में भी कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है और मोबाइल भी चार्ज नहीं हो रहा है। तो इसी प्रॉब्लम को है जो है आज हम दूर करने वाले हैं। इसके चार्जिंग का फॉल्ट कहाँ पे उसे हम लोग ढूंढेंगे और उसे रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है इसका वोल्टेज चेक करेंगे कि इसके कनेक्टर पे जो है वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैं इस पर चार्जर कनेक्ट कर दिया हूँ और हम लोग जो है इसे मल्टीमीटर से टेस्ट करने वाले हैं। तो मल्टीमीटर को मैं 20 वोल्ट डीसी के रेंज पे जो है सेट कर देता हूँ। तो एक पिन को जो है मैं ग्राउंड पे रखने वाला हूँ और सेकंड पिन जो है उससे मैं वोल्टेज देखने वाला हूँ। तो पहले कनेक्टर पे डालते हैं। तो यहाँ पे कनेक्टर पे जो है प्रॉपर वोल्टेज आ रहा है 5.1 का। उसके बाद इसके जस्ट सामने वाले डायोड पे, तो इस पे भी जो है 5.1 का जो है वोल्टेज आ रहा है। इसके बाद जो है हम इसके जस्ट ऊपर और जो कॉम्पोनेंट्स है उस पर टेस्ट कर दें, तो उस पर भी वोल्टेज आ रहा है। और यहाँ बैटरी के प्लस पॉइंट पर डाल रहा हूँ तो इस पर कोई भी वोल्टेज शो नहीं कर रहा है। मीन्स हो सकता है कि हमारा चार्जिंग ऐसी ख़राब हो या फिर बीच में कोई भी एक जम्पर कटा हुआ हो। तो यहाँ पे देख सकते हो चार्जिंग ऐसी है। तो इसके लेफ्ट साइड के जो सबसे नीचे वाला पिन है वो जाता है हमारे बैटरी के प्लस पॉइंट में, और राइट साइड का जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है वो आता है चार्जिंग कनेक्टर के प्लस पॉइंट से। तो पहले चार्जिंग ऐसी पे चेक कर लेते हैं कि कनेक्टर का प्लस जो है वहाँ तक जा रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे कनेक्टर का जो वोल्टेज है आ नहीं रहा है चार्जिंग आईसी पे। एक बार और कर लेता हूँ, अभी भी नहीं आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है हमारा चार्जिंग कनेक्टर का जो प्लस पॉइंट है वो हमारे जो चार्जिंग आईसी है वहाँ तक जो है सप्लाई नहीं जा रहा है। हो सकता है इसके बीच में जम्फर जो है कटा हुआ हो। तो हम लोग यहाँ से यहाँ पे एक जम्फर लेने वाले हैं। तो पहले मैं जो है अपना जम्फर यहाँ से यहाँ ले लेता हूँ, उसके बाद जो है मैं आगे का वीडियो दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसका जो है जम्फर जोड़ लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने जो है जम्फर लगा लिया है, देख सकते हो एक बार। यहाँ पे मैंने डायोड के प्लस से चार्जिंग आईसी के जस्ट राइट साइड के सबसे नीचे वाले पिन के जस्ट बगल वाले एक डॉट पे दिया हूँ, क्योंकि चार्जिंग आईसी के राइट साइड का सबसे नीचे वाला पिन और डॉट जो है एक ही पिन पे है जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से यहाँ मैंने जो है जम्फर लगा दिया है। तो चलिए अब हम इसे टेस्ट करते हैं कि हमारा चार्जिंग वोल्टेज अब आगे गया है कि नहीं गया है, क्या बैटरी प्लस पॉइंट पे चार्जिंग वोल्टेज जो जा रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने चार्जिंग कनेक्टर जो है लगा लिया है और देख सकते हो दोस्तों बैटरी के प्लस पॉइंट पे जो है वोल्टेज आना जो है शुरू हो गया है। और यहाँ पे देख सकते हो डिस्प्ले भी हमारा ऑन हो गया है और यहाँ पे बैटरी फुल भी दिखा रहा है, क्योंकि अभी इस पर कोई भी बैटरी लगा नहीं हुआ है और मैंने यहाँ पे 2 एम्पीयर का चार्जर यूज़ किया है। तो चलिए हम लोग जो है चार्जिंग जो है देखते हैं कि प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं। तो पहले मैं इसे डीसी मशीन से ऑन करूँगा, उसके बाद मैं इस पर जो है चार्जर लगाऊंगा। पहले मैं इस पर जो है हाई एम्पीयर का चार्जर लगाऊंगा कि हाई एम्पीयर पे ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, उसके बाद जो है लो एम्पीयर का।
तो पहले मैं यहाँ पे 2 एम्पीयर का चार्जर लगा रहा हूँ, उससे पहले मैं इसे ऑन कर लेता हूँ। तो ये हो गया ऑन, अब मैं इस पे लगाता हूँ 2 एम्पीयर का चार्जर। तो यहाँ पे चार्जर कनेक्टेड आ गया है दोस्तों, और रिमूव भी हो रहा है ऑटोमेटिक। और यहाँ पे चार्जर लिमिट वोल्टेज कुछ ऐसा आया है एरर, इसलिए आया दोस्तों क्योंकि मैंने इस पे जो है हाई एम्पीयर का जो है चार्जर लगा दिया है। अब मैं इस पे जो है 1 एम्पीयर का चार्जर लगा रहा हूँ, तो 1 एम्पीयर के चार्जर पे प्रॉपर काम कर रहा है, कोई भी इस पे दिक्कत नहीं आ रहा है। तो इसका जो चार्जर है जो 500 mA का आता है, और यहाँ पे मैंने 1 एम्पीयर का जो है चार्जर यूज़ किया है। और अगर आप इस पे हाई एम्पीयर का चार्जर यूज़ करोगे तो इस तरीके का दिक्कत आने वाला है, क्योंकि इसके साथ जो चार्जर आता है वो 0.5 एम्पीयर का होता है, मीन्स आधा एम्पीयर का। तो इस तरीके से दोस्तों जो है आप अपने कीपैड मोबाइल का जो चार्जिंग प्रॉब्लम होता है उसे फिक्स कर सकते हो जम्फर के माध्यम से, अगर आपका जम्फर कटा है तो। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अगर इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। To change your